चेक कर, मेरा चेक कर, जल्दी चेक कर। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सो तुम बहुत अच्छे होगे। सबसे पहले सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड देन अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड मैं जस्ट अभी सो के उठा हुआ हूँ। मुझे उठे हुए कल 10-15 मिनट हुए अभी और मैं ब्रश कर लिया, बस अभी जा रहा हूँ मुंह धोने। एंड देन मेरे पीछे देख सकते हो स्कूटी और बाइक खड़ी है, वो भी घर के अंदर, फ्लैट के अंदर। तो क्या होता, तुम समझ सकते हो कि मेरे फ्लैट में कल 5 लोग रहते थे और 4 लोग घर जा चुके हैं। 3 BHK के फ्लैट में मैं पूरा अकेला, और रात में भाई डर भी लगता है थोड़ा सा, अकेले सोने में ऐसा लगता है कोई आ गया, कोई यहाँ बैठा है, कोई बैठा है, मतलब भूत जैसा थोड़ा सा अंदर अंदर से फीलिंग आने लगता है। लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैनेज कर रहे हैं। और अभी मेरे यार 6 तक आखिरी एग्जाम है एंड 8 को मेरा ऑनलाइन एप्टीट्यूड का एग्जाम है। एंड देन फिर अब 12 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कॉलेज वाले बिल्कुल परेशान कर दिए, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, CSE, MBA फर्स्ट ईयर सब घर चले गए। कल CSE थर्ड ईयर वाले भी यहाँ रुके हुए हैं, और बाकी और भी कोई ब्रांच के होंगे तो आई डोंट नो, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अपने ब्रांच का पता है। फिर मेरे 12 से 24 जून तक मेरी क्लास चलेगी, एंड देन उसके बाद छुट्टी होगी। उसके अभी सुनने में आ रहा है कि फिर कोई और क्लासेस 10 से 15 दिन बाद से मेरी चलने वाली है। तो देखते हैं, भगवान करे ना ही कोई क्लास चले डायरेक्ट, 1 महीना तो कम से कम घर पर काट के आए, क्योंकि घर की भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, घर भी बहुत दिन से नहीं गए हुए। सो अगर चैनल पर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग को लाइक कर देना और बने रहना पूरा ब्लॉग के साथ। देखते हैं आज मैं अकेले अपने फ्लैट पे, मैं देखता हूँ क्या क्या करता हूँ और मैं तुम लोग को भी शो करूंगा। सो और ब्लॉग को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, कल मैंने पूरा फ्लैट साफ किया, पूरी रात में कहते हम 2 घंटे की मेहनत, क्योंकि ओनर आज आने वाले मॉर्निंग, क्योंकि घर फ्लैट का कुछ काम कराना है। और देख सकते हो मैंने ये पूरा रूम में चादर वगैरह, इस रूम में चादर, और पूरा ये किचन भी मैंने पूरा साफ कर रखा है पूरा प्रॉपर। और यार कमरा भी मैंने साफ किया था, मतलब सबके जाने में तो सब बहुत ज़्यादा गंदा करके गए थे फ्लैट। सो यार ऑनर आने वाला था तो अकेले मैंने सारा काम किया। और बाहर तो कुछ व्यू दिखा देता हूँ इस टाइप का, क्योंकि धूप आज बहुत ज़्यादा हो रखी है। 9 बजे ही देख सकते हो बाहर कुछ ऐसा व्यू है। सबसे पहले मैंने सोचा था, सबसे पहले उठते ही सुबह काम ये करना है कि जो अनवांटेड हेयर्स दिख रहे हैं इसको पहले ट्रिमर से ट्रिम करना है। एंड देन यार नहाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो डायरेक्ट फेस वॉश करेंगे और फिर पढ़ाई भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम भी है ऑफलाइन वाला, मैथ का है, ऊपर से भी खतरनाक एग्जाम है, ऐसे क्रेडिट भी बहुत ज़्यादा है। जल्दी से फेस वॉश कर लेते हैं एंड देन तब तक मोबाइल चार्ज पर लगा दो तो चार्ज हो जाएगा मोबाइल। एंड देन उसके बाद फिर आप लोग से आगे मिलते हैं। बस प्लान चेंज है, मुझे नहाना है, मम्मी का फोन आया था, बोलते गर्मी में नहीं नहाओगे तो कब नहाओगे, तो बस नहाते हैं। तावा ले लिए और ये भी अच्छे से क्लीन हो गया। एंड देन यार फेस वॉश वगैरह लेता हूँ और फिर जा रहा हूँ नहाने। भाई जितने भी देख रहे हो ना प्रोडक्ट्स, ये मुझे बिल्कुल वाउचर मिले हैं। ये जो 3 पैक मैंने मंगाए थे 99 में, और ये वाला तो अभी फ्री का ही सब मिला हुआ है, वो अमेजोन पे वाउचर, अरे सॉरी पेटीएम पे वाउचर आया हुआ था। तो ये फेस टोनर मुझे यूज़ करना आता नहीं है, तो ये ऐसे ही पैक रहेगा। ये था फेस टोनर, एंड देन एक ये फेस टोनर मिला हुआ है, और इसके साथ इसका फेस वॉश भी मिला हुआ है, दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये इसके साथ इसका फेस वॉश भी मिला हुआ है, लेकिन फेस वॉश तो करेंगे लेकिन फेस टोनर नहीं आता, तो ये मम्मी को देगा। तो फाइनली गाइस नहा के आ गया हूँ, एंड देन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। मम्मी की बात मान के बहुत अच्छा किया, क्योंकि भाई नहाने का इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक फ्रेश लग रहा है। एंड देन बाल देख सकते हो कितने ज़्यादा बिखरे हुए हैं। सो मैं भी जस्ट ड्रायर लेके आया हूँ और जल्दी से बाल को ड्राई करते हैं एंड थोड़ा सा कॉम वगैरह कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं, पढ़ने बैठते हैं एंड फिर कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है। ड्रायर वगैरह सब हो चुका है, बाल वगैरह अच्छे सेट हो गए, एंड देन चलते हैं देखते हैं फ्रिज में क्या है खाने को। ये ब्राउन ब्रेड लिया था, एंड देन इसमें जल्दी से जैम लगाते हैं या बटर है वो लगा लेंगे, एंड देन सो खा के फिर पढ़ेंगे। तो सो गाइस यार पढ़ने आ गए एंड देन बैठ गए पढ़ने के लिए। एंड देन लैपटॉप वगैरह सबसे पहले पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को, मेरी UID डाल के, UID 20 डालेंगे, 20BCS 7489, एंड देन लॉगिन, एंड देन लॉगिन जस्ट खुल गया। DM का है मेरा एग्ज़ाम, सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को एक्सेस करते हैं। एंड देन पहले तो सिलेबस चेक करना है, सिलेबस आई थिंक मुझे थोड़ा सा याद था लेकिन अभी भूल चुका हूँ, वो पहले देखा था। Unit 3 पहले पढ़ेंगे, क्योंकि Unit 3 से आएगा या 10 नंबर के 3 क्वेश्चन, तो इसको फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं। और गाइस मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से नोट्स बना के रखा हुआ था Unit 3 का, सो इसी को रिविज़न करते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं एंड देन फिर। तो कहते बजने वाले 4 इस टाइम,
और पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, एंड देन जा रहा हूँ रसना पीने, मतलब सॉरी टैंग। रसना तो बचपन में बोलते थे 1 रुपए का एक पैकेट आता था, आई थिंक दैट जितने लोग भी ब्लॉग देख रहे हो मैक्सिमम सबने पिया होगा रसना बचपन में, वो पानी में घोल के चीनी डाल के बस बिल्कुल बिल्कुल फ्रूटी ऐसा टेस्ट आता था। तो देन वही करने जा रहे हैं अभी, पानी लेने गिलास में ठंडा पानी मैंने फ्रिज में लगाया हुआ था, एंड उसमें चीनी डाल के मैस करते हैं, फिर रसना डालते हैं, एंड देन उसको पी के थोड़ा इन्जॉय करते हैं भाई, क्योंकि गले को बहुत ठंडा चाहिए इस टाइम। चलो यार इसमें से निकालते हैं अयाली गिलास से पीने, जिसमें पीते मेरे दोस्त लोग पैक, इसमें हम पियेंगे रसना, हम फ्रूटी वाला आदमी है ना, तो देन ये चम्मच निकालते हैं, इसको बंद कर। बजे तक शाम के अभी 5:30 और अभी छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है, एंड जा रहा हूँ रूम के जस्ट सामने एक शॉप है, वहाँ से मैं तो डोरिटोस और एपीफेस लेके आता हूँ और उसको थोड़ा सा खा के फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा मैंने मान लो कि पीपीटी की अभी 25 स्लाइड खत्म कर दी है, ये 25 स्लाइड और बाकी यूनिट थी, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं एंड देन फिर जाएंगे दोस्त लोग के पास थोड़ा सा मिलने, थोड़ा माइंड फ्रेश करने, क्योंकि दोस्तों से मिलने के बाद ही भाई माइंड फ्रेश होता है और चिल होता है, जितना रिलैक्स होता है पूछने से लगता है कि हर सारा जितना भी दिन उन्होंने काम किया सारा थकावट सब मिल जाता है जाके मुझे। 5:30 बजे भी इतनी ज़्यादा धूप रखी है, मतलब धूप तो कम हो गई पहले से, पहले बहुत ज़्यादा धूप थी, और वो देखो वो सामने खेत है, उसके जस्ट उधर पे पटरी, वहाँ से ट्रेन रात में आती जाती है, खूब ज़्यादा आवाज़ आती है, डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा लोग। गाइस ये शॉप अभी इसी शॉप पे जाना है, ये जा रहा है जोमेटो वाले भैया, शायद कोई ऑर्डर वगैरह मंगाया होगा, मेरा मन करेगा तो वही मंगाऊंगा, तो चलते तुरंत जल्दी से और लेके आते हैं। तो डोरिटोस ले आया हूँ, ये स्वीट चिली फ्लेवर्ड एंड 10 साल एपी फेज है, और अभी पढ़ रहा हूँ मैं हैंड शेकिंग थ्योरम। आज का दिन डन होने वाला गाइस पढ़ाई लिखाई का, और क्या पता रात में पढ़ना हो तो पढ़ लेंगे, मैंने ठीक है। सो फाइनली यार पढ़ाई वगैरह हो गई कंप्लीट, मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया, यूनिट 3 का यूनिट 1 और यूनिट 2 कल रिवाइज करेंगे, अभी जा रहे हैं सुलेम के रूम पे, एंड देन मेरा दोस्त अनुज है उसकी यार होम ओनर से लड़ाई हो गई है, वो कल सारा सामान लेके मेरे फ्लैट पे आने लगे, यहाँ पे 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है लेकिन तब भी वो पैसा मांग रहा है, और उन्होंने इन्वर्टर वगैरह भी दिया, तो चलो सुलेम के यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है उसके, सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऐसी मौज मस्ती मार रहे हैं, चलो चलते हैं। देख सकते हो गाइस 7:30 हो गए और अब हो चुका है प्रॉपर अंधेरा, और अभी थोड़ी बहुत रोशनी वगैरह दिख रही है, अब जा रहा हूँ सुलेम के रूम पे, दर्पण ग्रीन गेट नंबर 4 चलते हैं। ये देख सकते हो गाइस एक तारा दिख रहा है आसमान में, वो भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। देख सकते हो गाइस पूरा का पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं चल रही, ऐसा लाइट गई है यहाँ पे, इस वजह से बच्चे वगैरह खेल रहे वो भी नहीं दिख रहा। ये सुलेम के फ्लैट पहुँच चुका हूँ, सो गाइस पूरा रूम गंदा करके लोग हिसाब जोड़ रहे हैं पूरे महीने का, इन दोनों में कंफ्यूजन है कि 20 किसने दिया, इसने दिया किसने दिया, आसिफ 20 किसने दिया, अच्छा डिस्कस करो। सो गाइस मेरे यहाँ पे तो ऐसा मिरर है नहीं, वो ऐसा ही तुम लोग देख लियो ब्लॉग में, तो यहाँ पे तो लाइट वगैरह भी अच्छे रूम में लगी है, और गाइस अभी हम लोग जो क्लास होने वाली है उसका अभी बैच की लिस्ट आई है सबका, सबको बिल्कुल रैंडमली डाल दिया है, सुलेम चेक कर मेरा, चेक कर जल्दी चेक कर। सो गाइस मैंने सोचा कि CSK का फाइनल देख लिया जाए हाईलाइट, क्योंकि काफ़ी मन कर रहा था देखने का, सो देख लिया, देख सकते हो भाई कितना अच्छा विनिंग मोमेंट होगा आखिर में, दिखाता हूँ क्लिप को तुम लोग को, साथ बने रहना। इट्स अ टाइम फॉर डिनर गाइज, अभी चिकन बिरयानी बनी हुई है सुलेम के यहाँ, तो चलो जल्दी से इसको खा के इंजॉय करते हैं, बाहर चलते घूमने। सो गाइज अभी विपिन से मिले हैं अपन, बज रहे रात के, कितने टाइम हो रहा है अभी, 2:40 हो रहा है, और यहाँ पे विपिन डेली आके चाय पीता है, सो विपिन से तो अभी तुमको तुम लोग को मिला रहे हैं, लेकिन यार यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी, विपिन बता रहा था सोचे ऐसा लोग रात में 3 बजे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि पढ़ने के बाद यार आँख में पूरी दर्द वगैरह हो रही थी, इसलिए आए, बाल ऐसे सही लग रहे हैं रात में, क्योंकि रात का हाल खराब ही रहता है बाल वाल का, तो लेकिन झाड़ के आए हैं बस। गाइस तो बज रहा है अभी 2:40 और हम लोग आए हैं विपिन की तरफ GBP टोल के पास, तो विपिन आज विपिन की तरफ से चाय पी रहे हैं, विपिन तुम यहाँ की सबसे अच्छी चाय कौन सी है? बस सो गाइस यार विपिन गया है चाय लेने, और अभी 2:40 हो रहा है, और देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है शॉप के अंदर और शॉप के बाहर भी, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ ही है यार जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पाप पीने वाने के लिए लोग रहते हैं, और रेस्टोरेंट है और तो भीड़ तो और रहने। बोल 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 क्या कह रहा था, बोल। और यहाँ पे मैंने ऐसे कह रहा था यहाँ पे मार हो गया है तो चलाने के बाद तो मैंने तुरंत बाइक उठाया तुरंत भाग के आया, लेकिन तो गाइस कुछ मोमोज यहाँ का ऐसा है, ये एक और
सर ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग को पसंद अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो